चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। या तो इसका समाधान कर लिया जाए, अन्यथा सारे कार्यालयों के ताले बंद कर गए हैं किसान भाई। यो सारे सबकी सहमति से हो रहा है काम, सब लोग सहमत हैं इस बात से। जब किसानों को पैसे मिलेगा जब ही खुलेगा, उसका पहले खुलता है। बाबू राम मिल मालिकों से भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और सरकार से भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर किसान अपने एक मांग कर रहा है कि हम अपना गन्ना किसी दूसरे चीनी मिल को देना चाहते हैं, लेकिन नहीं, सरकार के दिमाग में भाई सोसाइटी के तालेबंदी तभी अगर काम नहीं चलेगा, अटका लगते इसका भी ताला भिड़ेगा, बंद हो जाएगा नहीं बिल्कुल भी, जितने समाधान नहीं होनेगा। यह बात इनका चैन तो नहीं रहने की, तो भाई यह पूरी शिखर पर जाएगी। या तो इसका समाधान कर लिया जाए, अन्यथा सारे कार्यालयों के ताले बंद कर गए हैं किसान भाई। इनका हक है, यू अपना हक मांग रहे को फिर नहीं मांग रहे, किसी पर भीख नहीं मांग रहे लोग। और कान खोल कर शासन प्रशासन आदमी सुन ले, हल्के मना ले किसान को, किसान तंग हो लिया। जब तक इस किसान की सुनवाई नहीं होगी चैन से नहीं बैठने का, और अगला गन्ना भी जीवी देगा जी पिछला पेमेंट पूरा हो लगा। भाई किसान तो दुखी बहुत हो रहा, धरने भी चल रहे, सब मिल्लू पे धरने चल रहे, पर सरकार की भी मिली भगत है इसलिए थारा पेमेंट नहीं हो रहा। तो भाई निंगे भी ध्यान रखो, 2024 भी आने गया उसे भी ध्यान रखियो, कदाच धरना प्रदर्शन कर कर फिर भूल जाओ। नवे नवे कानून लेकर लग रहे, ये तो मैं इतना दुखी कर रहे बिजली में गन्ने में, अगर धरती को तुम छोड़ दो और यह धरती नहीं दे दो, इनका मैटर यू है किसी भी तरह मजबूर करके ये अपने आप ही इस धरती को छोड़ दें और यह धरती सब लालों के चली जाएगी। श्यामली की चाहे डबू को देख लो, सब एक तरफा लाला धरती खरीदने लग रहे और तम बेचल लग रहे। मैं अपने इंस्पेक्टर साहब से निवेदन करूं, आगे आगे जी मजिस्ट्रेट साहब आगे जी मिल अधिकारी आगे हमारे बीच में आगे अधिकारी आगे बताओगे जी जैसी बात होगी। हमने 5 तारीख में ज्ञापन दिया था, 9 तारीख के तालाबंदी करने का, इस बीच में तो एक बार भी प्रशासन की तरफ से कोई बात नहीं आई, आप वार्ता कर, ये तो इस बीच में आनी थी। उस ज्ञापन पे नाम दिया, नंबर दिया, सब कुछ है, और हम सीधे डीएम साहब ने ज्ञापन दिया था, तो ये बार बार इस तरह धोखे में देखना ठीक नहीं है। तालाबंदी करना वो आपके हाथ में है, अगर आप इसका समाधान करो सुनो तो आप इसका समाधान तो करते हो, समाधान कर दो अन्य तालाबंदी किसान के द्वारा करें। यो सारे सबकी सहमति से हो रहा है काम, सब लोग सहमत हैं इस बात से। बहुत बढ़िया प्रधान जी, आ जाओ ले जाओ फोटो था होगा जी सर, तालाबंदी की गई है, आज स्थिति ऐसी क्यों बन गई आज? ये किसान इस समय इतना परेशान है, ना वो अपने बच्चों की फीस दे पा रहा, ना अपनी बीमारी दिखा पा रहा, रोटी रोटी को मोहताज किसान हो चुका, और केवल जो है यहाँ का किसान गन्ने पर निर्भर है, गन्ने से ही उसकी आमदनी है, और गन्ने का ही भुगतान नहीं हो रहा, तो किसान क्या करेगा? वो तो या तो मरेगा और या कुछ करेगा। तो किसान ने आज यहाँ के फैसला लिया है कि उसने अब से 5 दिन पहले घोषणा की हुई थी कि अगर 9 तारीख तक हमारा गन्ने का समाधान भुगतान का नहीं निकलता है तो हम तालाबंदी करेंगे। वो आज सब किसानों के नजर है एकजुट होकर अपना तालाबंदी का निर्णय लिया है और वह कर दिया है। जो है ये ताला क्यों मारा इन किसानों ने? इनके पेट की भूख जो है सरकार तो बुझा नहीं रही, इन्होंने गन्ना के रखा, पैसे मांगा रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे भारत सरकार पे, था और यू जो है
वो है दिल जलो को क्या जलाओ, दिल जलो है काम नहीं, फूक कर रखना करते मुख्यमंत्री हमारा नाम नहीं। यू देश के और जिला शामली के अगर इनका परमिट नहीं होगा यू ताला इतना बंद रहेगा। अगर ये लोग जनता को धोखा दे रहे तो देश को धोखा दे रहे। जब तक ये ताला नहीं खुलेगा, जब तक परमिट नहीं होगा, इसमें मंत्री हो संतरी हो किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ किसान की चलेगी, मजदूर की चलेगी और जवान की चलेगी। भाई जी आगे क्या रास्ता निकलेगा, तालाबंदी हो गई है। देखो 20-25 दिन हो गए थे यहाँ बैठे थे, 42 दिन हो गए हैं, 42 दिन हो गई है, कोई किसान की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आज मजबूरी में ताला लगाना पड़ा 5 दिन का, जिला शासन प्रशासन ने टाइम लिया बात करने का, हमने 5 दिन के लिए ताला लगा दिया। इतने समाधान नहीं होते, इतने ताला नहीं खुलने का। और आगे की रणनीति ये सब ये होगा, कमेटी फैसला लेगी और आगे की रणनीति तय करेगी।